हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो एग पैटीज़। और इसके लिए हमने चार तीन अंडों को बॉयल करके रखा हुआ है और उनको हाफ पीस हमने काट के रखा है, और दो तीन पीस आलू को हमने बॉयल किया हुआ है, और ये मीडियम साइज़ के आलू हैं, और ये तीन से चार पीस के लिए लगभग हमने ब्रेड का स्क्रब तैयार किया है, और हरी मिर्च, हरी धनिया, हरी मिर्च और आमचूर पाउडर और नमक के साथ में हमने ये चटनी पीस के तैयार की है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं एग पैटीज़। इसके लिए हमने एग को ले ये बॉयल किए हुए आलू को हमने इसके गोल गोल थोड़ा बड़ा सा पेड़े टाइप में बनाएंगे, और इसके अंदर हम इसमें हम चटनी को ऐड करेंगे। ये देखिए, पहले हम इसको तैयार कर रहे हैं, अच्छे से बना लेंगे। और ये इसमें हमने एग को लगाना इस तरीके से उल्टा करके, पहले हम इसमें चटनी को ऐड करेंगे। ये हरी मिर्च की चटनी जो हमने तैयार की हुई है, ये आलू के साथ में हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, हम इसके ऊपर इस तरीके से चटनी लगाएंगे, और थोड़ी सी ज़्यादा चटनी लगाएंगे क्योंकि हमने आलू में कुछ भी नहीं मिलाया है, इसलिए चटनी थोड़ा सा अच्छे से डालेंगे ताकि उसमें अच्छे से उसका टेस्ट आ सके। अब ये हमने एग को लिया और उसको हम उल्टा करके इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे, और हम इसे पूरी तरीके से कोट कर देंगे और दोनों साइड से अच्छे से इसको बंद कर देंगे। अगर इसमें आलू कम पड़ता है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा आलू और लगा सकते हैं, और लगा के इसको काले से हम इसको गोल बन राउंड करके बिल्कुल अच्छे से इसके गोलों को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, जहाँ से भी हमें लगता है कि चटनी हमारी दिखाई पड़ रही है, हम उसको फिर से आलू के साथ में ढक के इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, ये हमारे बाउल तैयार हो गए। अब इसी तरीके से हम सारे बाउल को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने दूसरे ये देखिए ये हमने लिया है आलू को, और हम इसी तरीके से हम दूसरे को भी तैयार कर लेंगे। चटनी लगाएंगे और ऊपर से इसके ऊपर हम एग को रखेंगे। एग को रखने के बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे, और जो जहाँ से भी कुछ भी दिख रहा हो उसको सही से हम फोल्ड करके दोबारा से हम इसको तैयार कर लेंगे। बस इसी तरीके से हम सारे बाउल को अपने तैयार करेंगे, और सारे बाउल हमारे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, ये हम अपने सारे बाउल को, ये देखिए, ये हमारे गोल गोल तरीके से बाउल तैयार हो गया। ये देखिए, ये हमने अपने बाउल को तैयार कर लिया हुआ है। अब हम इसके ऊपर ये हमने एक अंडे को फोड़ के रखा है, इसको फेंट के रखा है, और इस अंडे को हम ऊपर से इसमें कोट करेंगे। ये देखिए, ये इसके ऊपर बाउल में डाल देंगे इसको। ये देखिए, हमने इसको बाउल में डाल के इसको अच्छे से इसको निकाल लेना है, और जितना एक्स्ट्रा एग होगा उसको हमको अलग हटा देना है। ये अब इसके बाद हम जो हमने ब्रेड का स्क्रब तैयार किया है, इस स्क्रब के साथ में हम इसको अच्छे से कोट कर देंगे। ये देखिए, ये हम इसको अच्छे से दबा के इसको तैयार कर लेंगे इस तरह, ये ताकि हमारा ये एक बाउल जो है इसका, ये बाउल हमारा टूट ना पाए, क्योंकि हम इसको तेल में फ्राई करेंगे तो फ्राई करने में आलू जो है फूट जाता है, इसलिए इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से ब्रेड का स्क्रब लगा के दबा दबा के हाथों से, अच्छे हाथों से इसको तैयार कर लेंगे। ये अब ये हमारा बॉल तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे बॉल को तैयार कर लेंगे और उन्हें फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमने कढ़ाई में तेल डाला हुआ है, तेल हमारा तैयार हो चुका था और उसमें हमने इन बॉल को डाल दिया है। अब ये बॉल हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। आप इन्हें डाल के तुरंत मत चलाइए, चलाने से ये फूट जाएंगे, और इन्हें हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके हल्के हल्के हाथों से उनको चलाइए। ये देखिए, ये हमारा बाउल बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे बाउल को तल के हम बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इनको बीच से हल्का सा इनको हम काट के काट काट देंगे।
ये देखिए ये भी हमारे अच्छे से तैयार हो रहे हैं। ये थोड़ा ये इन सबको हम जब तैयार हो जाएंगे बस अब इनको 5 मिनट के बाद हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये सारी हमारे एक पेटीज हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें बाहर निकालने के बाद इन्हें हम काट लेंगे। ये देखिए हमने इनको बाहर निकाला हुआ है, बाहर निकाल के रखा है। अब हम इन्हें 20 से 2 पीस कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए अब हम इनको 2 पीस करके काट लेते हैं। बहुत हल्के हाथों से इनको काटना रहेगा क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं और गर्म भी होंगे। गर्म से बहुत आहिस्ता से इनको काट के हमें इनके पीस तैयार कर लें। ये देखिए ये हमने इसकी पीस तैयार कर ली है। ये हमारी एक पेटीज तैयार हो गई। अगर आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।